गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ सिप्रा। मैं आज ब्लैक हेड्स को कैसे रिमूव करें उसी के बारे में दिखा रही हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जाएगा उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ब्लैक हेड्स होने के रीज़न। स्किन में जो छोटे छोटे ओपन पोर्स रहते हैं यानी कि रोम छिद्र, उसमें जाके जितना भी धूल मिट्टी गंदगी डस्ट पोल्यूशन जितना भी जाके जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वो वहाँ से निकल नहीं पाता। कितना भी हम लोग वॉश करते फिर भी निकल नहीं पाता, वहाँ से जाके जमा हो जाता, वो घर बना लेता, निकल नहीं पाता है और वहाँ पर जाके ब्लैक हेड्स के रूप ले लेता है। और जिसके वजह से फेस डल ड्राई बेजान सा लगता है और इस पर साइन या ग्लो कुछ भी नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं इसको रिमूव कैसे करें। सबसे पहले एक बाउल में बम वाटर ले यानी कि गर्म पानी, गुनगुन हल्का गुनगुना पानी ले। अब इसमें एक कॉटन डिप करें जहाँ पे आपका ब्लैक हेड्स के प्रॉब्लम है वहाँ पे कॉटन को रखें। मैं सिर्फ नाक पे रख रही हूँ। इसे 2 मिनट रहने दे, जितना भी गंदगी इकट्ठा हो गया है और जमा होकर कड़ा हो गया है इससे सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली रिमूव भी होगा। अब इसे 2 मिनट बाद निकालेंगे। अब एक कॉटन के हेल्प से इसे ड्राई कर लेंगे, जगा के वाइप आउट कर लेंगे। सबसे पहले एक कटोरी लेंगे, इसमें एक चम्मच हनी डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब एक इस टाइप के ब्रश ले, इस टाइप के मसाजर के साथ जो ब्रश आता है वो वाला ब्रश ले रही हूँ मैं, क्योंकि स्किन के लिए बना हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप चाहे तो टूथब्रश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टूथब्रश के जो ब्रश होता है ये चीज़ होता है उसे सॉफ्ट होना चाहिए, वरना स्किन जो है कट सकता है। हार्ड ब्रश लीजिएगा तो स्किन कट सकता है, इसी वजह जितना सॉफ्ट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब इसे इसके साथ अटैच कर लेंगे और इसे डिप करेंगे जहाँ जहाँ ब्लड सेल्स का प्रॉब्लम है वहाँ पे इसे ठीक करेंगे, स्क्रब करेंगे इससे। इसमें नींबू और शहद लिए हैं। नींबू और शहद में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे ब्लैक हेड्स तेजी से रिमूव होता है। अब इसे कॉटन की हेल्प से बॉम वाटर लेके इसे क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब इसे अच्छे से ड्राई करेंगे कॉटन की हेल्प से। आप चाहे तो टॉवल की हेल्प से भी कर सकते हैं। हाफ चम्मच चंदन पाउडर लेंगे, हाफ चम्मच मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे और 1 से 2 चम्मच नॉर्मल वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेंगे इसको। अब इसे मैं फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर जो है एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब करेगा और हनी जो है स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। अब इसे ड्राई होने दें 10 से 15 मिनट। अब ये ड्राई हो चुका है, अब इसे थोड़ा सा रब करते हुए वॉश करेंगे। मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। आपको इसका एक ही बार के यूज़ से आपका 90% रिजल्ट मिलेगा। इसे हफ्ते में 2 बार यूज करें, आपका जितना भी ब्लैक हेयर्स है सब पूरा रिमूव हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।